हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वैशाली मित्रा। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज जो मैंने कुर्ती सिलेक्ट की है वो आप अमेज़ॉन पे भी ढूंढ सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी ढूंढ सकते हैं, दोनों ही जगह अवेलेबल होंगी। और एज वेल एज आप पेटीएम पे भी ढूंढ सकते हैं। पेटीएम पे आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाता है पेटीएम अकाउंट में, जो आप फर्दर जो भी शॉपिंग है या फिर कहीं भी है, पेटीएम तो बहुत जगह चलता है, आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और एक ट्रिक बताना चाहूँगी, जब भी शॉपिंग करो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कैश करोगे थ्रू क्या करो यार, एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है। जो भी वेबसाइट्स पर डील चल रही होती है उसके अलावा एक्स्ट्रा कैशबैक आपको मिल जाता है। यार एक्स्ट्रा कैशबैक किसको बुरा लगता है, एक्स्ट्रा मनी सेव होगी, इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो कैश करो के थ्रू यूज़ किया करो, एंड कैश करो का लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलते हैं आज की परचेजेस की तरफ। तो फर्स्ट जो मैं आपके साथ कुर्ती शेयर करना चाहती हूँ, जितनी भी कुर्तीज़ आपको इस हॉल में देखने को मिलेंगी सारी ही आप डेली वेयर कैजुअल वेयर में डाल सकते हैं। और फर्स्ट कुर्ती मैं देके स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम गुलमोहर जयपुर। ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, मैंने इसकी बहुत सारी कुर्तीज़ ट्राई की हुई हैं और इस बार मैंने लिया है। ये एक्चुअली प्रॉपर ग्रीन नहीं, रामा ग्रीन काइंड ऑफ अ कलर है इसका, देखिए। और मजेंटा इसमें फ्लावर दिए हुए हैं फ्रंट पे, जो आप बटन देख रहे हैं ये कपड़े के बटन हैं, कोई ओपनेबल वगैरह नहीं है। नेक कितना अच्छा है, थोड़ा सा आपको बोट नेक की तरह ये लगेगा। और इसकी 3/4 स्लीव्स हैं, कम्प्लीटली फिटिंग मुझे इसकी बहुत अच्छी आई है। इसका कपड़ा 100% कॉटन है, बहुत ही कंफर्टेबल सॉफ्ट मटेरियल है। स्टिचिंग वगैरह की तो बात ही लाजवाब है, बहुत अच्छी स्टिचिंग वगैरह मिलेगी आपको इसकी। हालांकि आप वीडियोस में देख पा रहे होंगे कि मेरे थोड़े टमी अराउंड, मतलब थोड़ा सा ये हाईलाइट कर रहा है, मेरी टमी थोड़ी सी दिख रही है, अदरवाइज ऑल ओवर पूरी बॉडी पर ही मुझे बहुत अच्छा फिट हुआ था और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। कलर बहुत ब्यूटीफुल लगा है मुझे। तो अगर आप और इसके कलर्स देखना चाहते हैं तो जब आप लिंक खोलेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ये थी मेरी फर्स्ट कुर्ती, अब चलते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। नेक्स्ट कुर्ती में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये कुर्ती है फ्रॉम द ब्रांड कारीगरी की तरफ से। इसके भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते देखने को मिलेंगे। आई एम इन द साइज लार्ज, जनरली मैं सारे ही साइजेस जो हैं लार्ज में लेती हूँ। कभी कभी साइज चार्ट अगर उनका छोटा है तो मुझे एक्सेल आता है। ये देखिए इसका भी राउंड नेक है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कपड़े की बटन की डिटेल मिलेगी और ब्लू कलर का पैनल एक तरफ दिया हुआ है। इस तरीके से इंडिगो काइंड ऑफ प्रिंट है, फील है इसके अंदर कंप्लीटली। ये देखिए रेड कलर का इसमें साइड में बॉर्डर दिया हुआ है। इसके साथ आप रेड लेगिंग भी पेयर करेंगे और प्लेन रेड कलर का दुपट्टा ले लेंगे तो बहुत ही ऑसम लुक आएगी। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। हालांकि मैंने व्हाइट लेगिंग सबके साथ पेयर की है, बिकॉज हमें यार बैक टू बैक शूट करनी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता जल्दी जल्दी चेंजेस करने का। स्ट्रेट कट में कुर्ती है और आप देख सकते हैं वीडियो में कितना इसका लेंथ वगैरह सब आपको ईजिली पता लग जाएगी। ये भी 100% कॉटन में है। सारी ही कुर्तीज़ आई थिंक जब मैंने बाय की थी तो अंडर 500 ही हैं। हालांकि डील्स वगैरह सब चलती रहती हैं गाइज। एक्चुअली जितने भी डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, कभी न्यू ईयर की सेल होती है, कभी किसी न किसी चीज़ की सेल हर वेबसाइट पर चलती रहती है, तो प्लीज़ आप उसे चेक करना मत भूलिएगा। सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, प्राइस आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट परचेज की तरफ। नेक्स्ट परचेज में मैं आपके साथ कुर्ती शेयर करना चाहूँगी, ये है फ्रॉम द ब्रांड श्री की तरफ से। ये श्री ब्रांड की कुर्ती है, इनकी भी कुर्तीज़ बहुत अच्छी होती हैं और ये 100% रेयन में है। और इस कुर्ती का जो मैं पैटर्न बताना चाहूँगी, लाइक जो W की कुर्तीज़ होती हैं ये उसका कुछ एक रेप्लिका टाइप का है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का लाइट पीच और येलो कलर का कॉम्बिनेशन है। और फ्रंट में ये जो प्रिंट है इसके ऊपर छोटे 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 इन्होंने मोती का स्टिच करके वर्क किया हुआ है, हल्का फुल्का वर्क है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। बैक साइड में इसका इस तरीके से है, पीच है पूरा। और आगे इसमें इस तरफ आपको प्रिंट मिलेगा, बॉटम पे आपको इस तरीके से प्रिंट मिलेगा, फ्रंट एज वेल एज बैक में भी आपको बॉटम पे इस तरीके से प्रिंट मिलेगा। एंड स्लीव्स आपको मिलेगी इसमें 3/4 लेमन कलर की और बहुत ही ऑसम फिटिंग है। कपड़ा इतना हल्का सॉफ्ट कंफर्टेबल है, 100% रेयन है, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला रेयन है।
तो ये हो गए हमारे तीन प्रोडक्ट्स, अब कर लेते हैं आज के टिप की गाड़ी। आज के टिप में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ग्लिसरीन के फायदे। राइट, जैसे कि विंटर्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी स्किन के लिए ग्लिसरीन बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, ग्लिसरीन हमारी स्किन को फर्म करता है। जब हमारी स्किन लूज हो जाती है, हमारी एज जब बढ़ने लगती है, स्किन लूज हो जाती है और ब्लेमिशेज, ब्लैक डार्क सर्कल्स और डार्क निशान जो यहाँ आसपास हो जाते हैं, उन सबको धीरे धीरे ये क्लीन करता है। विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और फटने लगती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इश्यू शुरू हो जाते हैं, इचिंग, रेडनेस, सब कुछ हो जाती है। रात के समय आप ग्लिसरीन को अगर एलोवेरा जेल में मिला के लगा लें तो भी बहुत बेटर है, या ग्लिसरीन और गुलाब जल को आप मिला लें तो भी बहुत अच्छा है। खाली ग्लिसरीन भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हैं इजीली। जब भी आप अपने हाथ पे लें उसको दोनों हाथ से अच्छे से रब कर लें। जब हमारे हाथों की गर्मी से ग्लिसरीन अच्छे से रब करके थोड़ी गर्म हो जाती है, उसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी पतली हो जाती है एंड जस्ट आपको अपनी स्किन पर प्रेस करना है। मैं ये चीज़ बहुत बार अपनी वीडियो में रिपीट कर चुकी हूँ कि जब भी आप अपने फेस पर, कोई भी मेल हो चाहे फीमेल हो, आप कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, घिसना नहीं है, धीरे धीरे स्किन के अंदर आपको वो पैट डाउन करना है ताकि उसका जितना भी बेनिफिट है वो आपको बहुत अच्छे से आपकी स्किन के अंदर मतलब जाकर डीपली पेनिट्रेट करे, ना कि उसे रब करके और ज़्यादा स्किन लूज हो जाए। ये थी आज की टिप, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए यार, मेरी वीडियो ऐसी होती है, थोड़ी चिटचाट वाली होती है, आई नो मैं कई लोगों को बोर कर देती हूँ, बट मेरी वीडियोज़ आपको ऐसी ही मिलेगी, बिकॉज यार मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि जस्ट आओ, कपड़े दिखाओ और चले जाओ, तो थोड़ा सा चिटचैट करना तो बनता है ना। और किसको अच्छा लगता है प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है, कोई भी पीसेस पसंद आया है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ अभी इसको लाइक कर दो। एंड मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, और गेम अवे में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना मत भूलिएगा। और बिहाइंड द सीन्स और मेरी लाइफ अपडेट्स के बारे में जानने के लिए अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी है मित्रा वैशाली, जस्ट मेरे नाम का उल्टा, मित्रा वैशाली, और उसके लिंक्स भी मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ डायरेक्टली जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड ये जो मैंने, अगर कोई इंटरेस्टेड है, ये जो मैंने अपना एक श्रग काइंड ऑफ डाला हुआ है ब्लैक कलर में, ये मैंने आज ही से परचेज किया था। इफ़ यू वांट तो मैं इसका परचेज लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड अब चलते हैं लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, बट चलो लास्ट प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये आपको एम्ब्रॉयडरी में मिलेगा। ये है फ्रॉम द ब्रांड सृष्टि की तरफ से, बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये। ये देखिए, इस तरीके से 3-4 स्लीव मिलेगी। आई थिंक सृष्टि आपको बिग बाज़ार में, जो FBB है, फैशन एट बिग बाज़ार, वहाँ पर भी अवेलेबल है। ये पूरी जो आप वर्क देख रहे हैं, ये कढ़ाई का काम है, ये वीविंग हो रखी है सारी, मशीन एम्ब्रॉयडरी। ये पूरा जो पैचवर्क आप फ्रंट पर देख रहे हैं, इसकी नेक लाइन पर सारा ही एम्ब्रॉयडरी का वर्क है। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा फॉइल प्रिंट को प्रमोट नहीं करती हूँ, बिकॉज एक्चुअली फॉइल प्रिंट के साथ मेरा कुछ खास एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है फिलहाल तक तो। मतलब थोड़े बहुत 3-4-5 वॉश के बाद वो डल होने लगता है, वो बिल्कुल लुक उसकी बेकार हो जाती है। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर 150 रुपये एक्स्ट्रा डल रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ ले लीजिए जो आपकी ज़्यादा टाइम तक चले। अगर एम्ब्रॉयडरी प्रिंट कुछ भी नहीं लेना चाहते तो यार बेसिक सॉलिड कलर का कुर्ती ले लीजिए, जो कि बहुत अच्छा जाता है, उसके साथ आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये थी मेरी लास्ट परचेज, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज मैं अभी भी देख रही हूँ गाइज, हमारी इतनी बड़ी फैमिली हो गई है, सब वीडियो पसंद कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, उसके बाद बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा और ऑल ऑप्शन को क्लिक करना है, ताकि अगली जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्लीज़, बिकॉज मैं सबको देख रही हूँ, बहुत सारे मेरे अनसब्सक्राइब्ड जो भी मेरे दर्शक हैं, व्यूअर हैं, मेरी वीडियोज इन्जॉय कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आज की वीडियो के लिए इतना ही, स्टे कनेक्टेड एंड अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।